जडेजा के कलाई के जादू से पस्त हो गए मेहमान, फिरकी के फेर में फंसे कंगारू नागिन डांस करने को मजबूर, कंगारुओं के लिए फिर दर्द बने जडेजा, सर जडेजा की फिरकी में कंगारू पस्त, अश्विन और अक्षर ने भी जख्मों पर छिड़का नमक, तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया को कर दिया चारों खाने चित्त। आपने बंगाली जादू देखा होगा, काला जादू देखा होगा, लेकिन कलाई का जादू नहीं देखा होगा। तो जाइए देखिए सर जडेजा को, देख लीजिए उनके कलाई के जादू को, कैसे एक जादूगर ने पूरे कंगारुओं को चारों खाने चित्त कर दिया। कंगारुओं के हेकड़ी एक पल में निकाल दी, जिन्हें बहुत गुमान था दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम बनने का, उनके गुमान को सर जडेजा ने चकनाचूर कर दिया। अब सपनों में भी डराने लगे हैं सर जडेजा। जडेजा से डरे ऑस्ट्रेलियाइयों ने पहले ही टेम्परिंग का आरोप लगाकर जडेजा को बाहर करने की प्लानिंग तैयार की थी, लेकिन नाकामयाब रहे। उसके बाद तो जडेजा ने तय कर लिया था कि कंगारुओं को उबरने नहीं देंगे। पहले टेस्ट मैच में ध्वस्त करने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में भी सर जडेजा का जादू कंगारुओं के सिर चढ़कर बोला। पिच पर तो ऐसे नाच रहे थे मानो नागिन डांस कर रहे हो, न गेंद दिखाई दे रही थी न गेंद का टप्पा, तू चल मैं आता हूं की तर्ज में कंगारू आते गए और जाते गए। देखते ही देखते दूसरे टेस्ट मैच में भी कंगारू तीन दिनों में ही धराशायी हो गए। पहले मैच में ही ऑस्ट्रेलियाई मीडिया त्राहिमाम कर रहा था, अब तो जडेजा को ही मैच से बाहर करने की गुहार लगाने लगेगा। पहले मैच में टेम्परिंग का आरोप लगा रहा था, अब तो कह देगा हाथ की रिसर्च कराओ भाई, कलाई में कुछ छुपा कर रखा है जडेजा ने। फिरकी ने ऐसा कहर बरपाया कि चौथी बार भारत ने लगातार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर अपने नाम कर ली। दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज को 2-0 के अजेय बढ़त हासिल कर ली। इसमें सबसे बड़ी भूमिका सर रविंद्र जडेजा की थी। पहली पारी में 3 विकेट, दूसरी पारी में 42 रन देकर 7 विकेट, यानी कुल मिलाकर दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट लेकर जडेजा ने कंगारुओं की कमर तोड़ दी। जडेजा के कहर बरपाती फिरकी की वजह से कंगारू सिर्फ 113 रनों के स्कोर पर सिमट गए। जडेजा के बाद आर अश्विन ने भी अपनी फिरकी से कंगारुओं को खूब नचाया। पहली पारी में 3 विकेट लेने के बाद बैट से 37 रन बनाए, दूसरी पारी में भी 3 विकेट लेकर कंगारुओं की बची कुची उम्मीदों को भी ध्वस्त कर दिया। अब बेचारे कंगारुओं को जडेजा और अश्विन सपने में भी परेशान कर रहे हैं, नींद में भी उन्हें सर जडेजा और अश्विन की घूमती हुई गेंदें सोने नहीं देती। यूं तो अभी 2 और टेस्ट मैच बाकी हैं, लेकिन अगर अश्विन और जडेजा की फिरकी यूं ही चलती रही तो कंगारू 4-0 से पस्त होकर अपने देश लौटेंगे। आश्रित न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।